नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वायरल टॉपिंग में। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों या फिर आपका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। 2020-21 में जो एडमिशन होने इसकी पूरी डिटेल में दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आप KV एडमिशन से जुड़ी कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो दोस्तों जो नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद फिर एक बेल का आइकन होगा उसे आप ज़रूर दबा दें ताकि दोस्तों केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी अपडेट हम अपने चैनल पर डालते हैं और इसकी सूचना आपको मिलती रहे। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होते हैं आपके फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है KVA संगठन पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे आप इसकी वेबसाइट खोलते हैं ऑफिशियल, इस पर आप इसकी सूचना जारी कर दी गई है जो 2020-21 में जो आपका एडमिशन होने केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट क्लास की, अभी यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। पहले दोस्तों मैं आपको फर्स्ट क्लास का बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊँगा। तो दोस्तों अगर हम लोग पहले क्लास की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं KVS ऑनलाइन एडमिशन 2020-21। अगर दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्लास की बात करें तो जो इसका नोटिफिकेशन आएगा आपका एडमिशन का, वो आपका लास्ट वीक ऑफ फेब 2020, आपका पहला पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पर, रिलीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर KVS ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2020 लास्ट वीक ऑफ फेब, यानी आपका फरवरी के फर्स्ट लास्ट वीक में आपका नोटिस इसका आ जाएगा और जो फॉर्म भरना स्टार्ट होते हैं दोस्तों वो आपके 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास फर्स्ट इन KVS फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो दोस्तों मतलब आप मान के चलिए मार्च के जो पहला वीक रहेगा उसमें आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम लोग पिछले साल की बात करें तो मैं आपको लास्ट ईयर का बता देता हूँ कितने समय तक इसके फॉर्म भरे थे, ये मैं आपको दोस्तों 2019 का यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर हम लोग 2019 का देखेंगे तो दोस्तों आपके 1 मार्च 2019 से चालू हो गए थे जो कि आपके 19 मार्च 2019 तक चले थे, और जो पहली लिस्ट आई थी आपकी 26 मार्च 2019 को आई थी, उसका सेकेंड लिस्ट जो आई थी इसके एडमिशन की वो आपकी 9 अप्रैल 2019, फिर लास्ट जो लिस्ट आई थी थर्ड वाली वो 23 अप्रैल 2019। ये दोस्तों पिछले साल का है 2019 का, और सेम यहाँ पे रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे पूरा इसी तरीके से दिया है। तो जो आपके फॉर्म भरना है मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे आपके पहले क्लास के। अगर बात करें हम लोग पहले क्लास का तो दोस्तों इसमें कोई यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता है, आपके जो फॉर्म है ऑनलाइन वेबसाइट से भराते हैं। जैसे इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा और साथ में वीडियो बना के भी बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे इसका फॉर्म भरना है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके बच्चे के होने चाहिए। तो पहला दोस्तों आपके पास बच्चे का आधार कार्ड, उसके बाद आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ में अगर आप ST SC OBC में आते हैं तो आपके पास ST SC OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होनी चाहिए अगर आपको अपने बच्चे का फॉर्म भरना है, और इसकी कोई फीस नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है फर्स्ट क्लास का जो फॉर्म भराता है। आप ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन कैफे से या फिर अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपने घर में भी भर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं होता। ये जैसे ही फॉर्म भर देते हैं दोस्तों इसके बाद कुछ समय बाद इसकी लिस्ट आती है, उसमें अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो आप उस पर्टिकुलर स्कूल में जाके आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग बात करें सेकेंड क्लास से लेकर 11th क्लास तक की, तो जो सेकेंड क्लास से लेकर 11th क्लास तक का एडमिशन होता है, अगर मैं पहले बात करता हूँ 11th क्लास की, तो 11th क्लास का दोस्तों जब आपका 10th क्लास का रिजल्ट आ जाता है जस्ट उसके बाद आपका 11th क्लास का एडमिशन होता है। लेकिन अगर दोस्तों बात करें सेकेंड क्लास से लेकर 9th क्लास तक, अगर आप सेकेंड क्लास से लेकर 9th क्लास तक KV में एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर स्कूल में कितनी सीट खाली है। इसकी जानकारी दोस्तों आपके आपके नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय से मिल जाएगी लेकिन जब इसके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूँ पिछले साल कब इनके क्लास के फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 10वें नंबर का जो आपको पॉइंट दिख रहा होगा, 9वां और 10वें नंबर का, 9वें में आप देख सकते हैं 12 अप्रैल 2019 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे पिछले साल। तो मान के चलिए दो आपको जो 2020 में भी है अप्रैल के जो फर्स्ट वीक है तब आपके सेकेंड क्लास से लेकर बाकी सभी क्लास के यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो सेकेंड क्लास से लेकर 11th क्लास तक होते हैं इनका ऑनलाइन फॉर्म नहीं होता, ऑफलाइन फॉर्म होता है जो कि आपको आपके स्कूल जो भी नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय है वहाँ से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जैसे इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है मैं आपको इसकी सूचना दे दूंगा। तो दोस्तों जो नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा उसे आप प्रेस जरूर कर दीजिए, साथ में बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि दोस्तों जैसे इसकी कोई अपडेट आएगी मैं आपको इसकी सूचना दे दूंगा और KV एडमिशन से जुड़ी सभी अपडेट हम अपने चैनल पर डालते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।